इंडिया में पहली बार एक ऐसी फिल्म बन रही है जो हमारे इंडियन सिनेमा को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है, जो हॉलीवुड को टक्कर दे सकती है और हमें एक नए एक्सपीरियंस दे सकती है। हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हो, मैं प्रभास की मोस्ट मूवी कल्कि की ही बात कर रही हूँ। बाहुबली के बाद प्रभास की अब तक जितने भी मूवी आए हैं और आने वाले हैं उनमें से ये मूवी सबसे बेस्ट होने वाली है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि ये फिल्म आने कब वाली है। बहुत दिनों से खबर आई थी कि कल्कि की रिलीज डेट बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है और कल डायरेक्ट टीवी पे अशोक थामा की इंट्रोडक्शन वीडियो रिलीज भी कर दिया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन अशोक थामा के रोल में नजर आ रहे हैं। वैसे यूट्यूब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसे देख के फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। पर इस इंट्रोडक्शन वीडियो में भी रिलीज डेट नहीं बताया गया है। लेकिन अशोक थामा की क्या इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है यार, काफी सॉलिड है, देख के मजा ही आ जाता है। वीडियो में दिखाया जाता है कि अशोक थामा एक प्राचीन मंदिर में बैठ के भगवान शिव की पूजा कर रहे होते हैं। तभी एक बच्चा आता है जो अपने आप को राया नाम से इंट्रोड्यूस करता है और पूछता है आपका नाम क्या है, जिसके बाद अमिताभ बच्चन सर के यंग लुक को दिखाया जाता है, जिसे देख के मैं सरप्राइज हो गई। इस मूवी में डी एंजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखने को मिलने वाला है, जो हमें अक्सर मार्वल एंड डीसी में देखने को मिल रहा था, वो अब इंडियन सिनेमा में भी देखने को मिल रहा है। इससे अच्छी बात और क्या होगी। खैर, फिर वीडियो में राया कहता है कि आप बहुत अच्छे फाइट किए पर आपको राइडर्स ने शूट कर दिया, लेकिन आप मरे नहीं, क्या आप भगवान हो। तभी अशोक थामा के घाव की ओर दिखाया जाता है, जिसे ऐसा लगता है कि पिछली बार ओलंपस में जब वो किसी से फाइट कर रहे होते हैं तब शायद ये गोली लगी होगी, पर ऐसा नहीं भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद दिखाया जाता है कि अशोक थामा कहते हैं वो समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है, जिसका मतलब ये है कि कलयुग का अंतिम समय आ गया है। जिसके बाद वो एक दिए को काफी कमाल के तरीके से जलाते हैं और राया को अपने इंट्रोडक्शन दे के चले जाते हैं। वो जाते वक्त उनके माथे में वो मणि होती है जो महाभारत के समय भगवान श्री कृष्णा ने छीन लिया था और उन्हें श्राप दिया था कि वो घाव कभी नहीं भरेगा और तुम इसी घाव के साथ तड़पते रहोगे जब तक मेरा दसवां अवतार धरती पे जन्म नहीं ले लेता। लेकिन इस ओलंपस में वो अशोक थामा के पास ही है, जिसे देख के कुछ लोगों का ये कहना है कि भगवान ने अशोक थामा को जब श्राप दिया था तो वो अपने गलती को समझ के भगवान को अपने पापों की प्रायश्चित करने का एक मौका मांगते हैं। तो भगवान उसे मणि वापस तो कर देते हैं, लेकिन उसे कहते हैं कि वो मणि को तब तक धारण नहीं कर सकता जब तक मेरा दसवां अवतार धरती पे नहीं आ जाता, तुम्हें उसके साथ मिलके एक अंतिम युद्ध लड़ना होगा। पर ये सिर्फ एक थ्योरी है, जब फिल्म आएगा तो पता चलेगा कि मणि अशोक थामा के पास कैसे है। वैसे इंट्रोडक्शन वीडियो में जो बच्चा है वो शायद इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। वीडियो काफी अच्छी है जो फिल्म के लिए सही में एक्साइटमेंट क्रिएट करती है। मैं पर्सनली अमिताभ बच्चन सर को इस अवतार में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। क्या आप भी मेरी तरह एक्साइटेड है, कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खत्म।